तमाम किस्म दी हमदो सन्ना के बरियाई दे पाक मुतहर मुअल्लकल में अल्लाह मालिकुल अलम वास्ते ने जो पूरी कायनात द खालिक व मालिक युदब्बिरुल अमर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़ालुल लिमा युरीद यफ़अलु मा यशा अनगिनत ला तदाद बेशुमार दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हबीब किबरिया वाली बतहा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ात बाबरकत इंतहाई मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी मुकद्दस मुअल्ला आला अरफा किताब दा एक मुकाम है रब अर्ज़ो समा कोलो दुआ है अल्लाह मैं गुनाहगार नूं इहदा मफहूम बयान करन दी तौफीक अता फरमाए रब अर्ज़ो समा सुनन सुनन तो बाद मेरे समेत जितने दोस्तों अहबाब तशरीफ फरमा अल्लाह सब नूं अमल दी तौफीक अता फरमा दे। मुख्तसर जिहा एक मैसेज है, कोई खिताब नहीं है। मेरे बड़े ही मोहतरम भाई मास्टर इजाज़ साहब उन्हां दियां वालदा मोहतरमा अल्लाह नूं प्यारियां हो गईं, बस मैनू जरा लेट पता चलिया, तो दुआ है तुहाडे साथियों की भी ज़ियारत हो गई, दुआ भी हो जाएगी अल्लाह सब दी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा दे। जिंदगी अल्लाह दी अमानत है और ये बड़ी ही मुख्तसर है। असी समझने के बहुत लंबी चौड़ी है दुनिया, दुनिया इतनी बड़ी नहीं है जितनी साढ़े माइंड के अंदर है या जितनी साड़ी उसके नाल लगन है। नंबर एक कि हमेशा बंदे नूं अपनी हालत ठीक रखनी चाहिए,
क्योंकि मौत तो कभी भी आ सकती है, क्योंकि वह कोई मतलब कि लिमिट तो नहीं ना है, जैसे वो खबर भी नहीं रखती। इस वक्त अचानक मौत बहुत ज्यादा हो गई ना, तो इस अचानक मौत की वजह तो हम वक्त बंदे नूं अपनी हालत ठीक रखनी चाहिए कि मैनू जो मौत आए कम अज कम मेरी हालत ठीक होवे, किसी गलत हालत च मौत ना आ जाए। क्योंकि नबी पाक की हदीस है, वन जाबिर इनका लकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैह। सरकार आंदे ने कि बंदा जिस हालत च फौत होएगा ना, कल क्यामत नूं अल्लाह उस हालत च खड़ा करेगा। यह हदीस दलील है कि हालत ठीक रखो, मौत कदे भी आएगी, और ऐसी अपनी हालत बनाओ किस हालत च तुसीं खड़ा होना चाहते हो, कल क्यामत वाले दिन अपने रब के सामने कि हालत लैके खड़ा होना चाहते, फिर वो अपनी हालत बना के रखो। मौत का मैसेज तो कभी भी आ सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि कुरान ने भी आखे ना, वाला तमूतुन्ना इल्ला वंतुम मुस्लिमून, हालत ये हो ना कि बंदा अल्लाह दा मुती हो। और दूसरी बात यह है कि जब बंदे का दमे आखिर आ जाए, अल्लाह खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। और बड़ा ही खुश नसीब इंसान है जिंदी रूह कब्ज होए तो अल्लाह कलमा नसीब फरमाए। क्योंकि नबी पाक दी हदीस अबू दाऊद, वअन मुआज़िन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जड़े बंदे दी आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह उन्हें जन्नत दा टिकट अता कीते। तो दुआ करो, दुनिया तो जाना है पहले तो हालत ठीक होए, दूसरे नंबर पर जो जाइए तो अल्लाह कलमा नसीब फरमा दे। नबी पाक दी हदीस मुसनद अहमद वहन हुज़ैफा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لا اله الا الله ابتغاء لوجه الله ختم له بها। नबी पाक ने जिन्हें अल्लाह की रजा ली ला इला इल्लल्लाह पढ़िया ते सारी जिंदगी ला इला ते गुजर गई है, ते सरकारे मदीना दे नेंदे ते उहदा इख्तिताम हो गया, एंड इत्थे होया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उहनूं जन्नत अता फरमा देंदा, दखल अल जन्ना। तो दूसरी बात के दमे आखिर दुआ करो कि अल्लाह कलमा नसीब फरमाए। और पहली बात के हालत ठीक रखो, और तीसरी बात हदीस है नबी पाक दी इब्ने माजा दी, सहाबा जैसा फिक्र रखो। साड़ियाँ फिक्रा हो रही ने, सानू कभी ये जीयां मतलब कि सोचा ही नहीं आ दिया। चलो बंदे की सोच अच्छी होनी चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए। यही हदीस है, जरा तवज्जो करना, इब्ने माजा। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने, कुंतुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरकारे मदीना दी खिदमत अकदस दे अंदर, मैं सरकारे मदीना दी माइयत दे अंदर, मैं सरकारे मदीना दे नाला जा रजुलुम मिनल अंसार। एक अंसारी सहाबी आ गया है, सरकार दी खिदमत अकदस से हाजिर होया है, तो मैं दलील देना चाहना वा सहाबा दी सोच किवें दी है, सहाबा दी फिकर किवें दी है, सहाबा दा माइंड किवें दा है। आंदा अंसारी बंदा आया, फसल्लम अलन नबी, सरकार नु आके सलाम प्या करदा है। सरकारे मदीना दी खिदमत अकदस दे अंदर सलाम कीता है, और आख्यां दा सोनिया मेरा एक सवाल है। नबी पाक ने की सवाल है, आंदा अल्लाह दे नबी जी, अय्युन्नास अफजल, आ लोकां दे अंदरों सब तो अफजल बंदा केड़ा है, सब तो आला बंदा केड़ा है,
सब तो अरफा बंदा केड़ा है ते सरकारे मदीना देने अहसनुहुम खुनुका जिदा अखलाक सोना है ओ बंदा बड़ा आला है। आंदा सरकार एक दूजा क्वेश्चन इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह आंदा फा अय्युन्नास अक्यस सोने मोमिना दे अंदरों फा अय्युल मोमिनीना अक्यस मोमिना दे अंदरों दना केड़ा है सियाना केड़ा है अकलमंद केड़ा है दानश्वर केड़ा है समझदार केड़ा है ते सरकारे मदीना देने अक्सरुहुम लिल मौत दिकरा जिनू मौत कदी भुले ना बड़ा सियाना बंदा है जड़ा मौत नू 24 घंटे याद रखदा है बड़ा सियाना बंदा है जिनू हर वक्त पता रहिंदा के पता नहीं हुणे आई दुपहरे आई शाम आई सुबह आई जिदे दिमाग ते 24 घंटे सोच रहिंदी है ते सरकारे मदीना देने अक्सरुहुम लिल मौत दिकरा अच्छा हदीस है ना दो शैया ने देच सियाबी दी सोच वेखो ना पहला अखलाक दी गल की थी नाली मौत दी कर दी थी पहला क्वेश्चन अखलाक दा है दूसरा मौत दा है ये भी एक बात याद रखो जरा बंदा अच्छा अखलाक रखता है ना वो मौत तो बाद याद रखा जाता है उन लोग मौत तो बाद याद करते चाहे को वो मर्द है चाहे औरत उनकी अच्छी गल्लां उनका अखलाक जिंदा रहता है। और मेरे भाई मैं तां पहली गल किनिया तीन गल्लां कीतियां मैं नंबर एक हालत ठीक रखो मौत कदे भी आई नंबर दो अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए अल्लाह कलमा नसीब फरमाए और नंबर तीन सहाबी जैसी सोच रखो कि मौत पता नहीं कदों भी आ सकती सुबह शाम तुसी देखो ना कोने आके सवाल ही ये गीत है अंदर जी है मेरा सवाल है साढ़े दिन चे जी कभी गल ही नहीं आई कि आप मरण का भी सवाल करिए या मौत का भी सवाल करिए क्या तो मौत ना मौत साड़ी जिंदगी तो कोई अलग चीज़ है यादें ना रिलेटेड नहीं है हालांकि मौत जिदी अंदर रूह है उदी मौत चाहे आज है चाहे कल है चाहे परसों है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहना भाई जिमें साढ़े बुजुर्ग चले गए किसी के अबू चले गए किसी की अम्मी चली गई एंड साढ़े बच्चे ने रब ने मैं ना ड्यूटियां लाइया ने साडे माँ प्यो सानू वड्डा कर जाते हैं उन्हां दी ड्यूटी मुक जाती असीं चौधरी बन जाते हैं फिर साढ़े बच्चे होंगे ने असी इन्हों वे करने अल्लाह का आ जा तेरा टाइम पूरा हो गया ड्यूटी भी पूरी होगी वो कई रब अपने बच्चों का कोई विखा देता कई भी नसीब नहीं होंगे वो फिर बच्चों अल्लाह जो इज्जत देता फिर आते हैं खास अज मेरा अबू हों अज कि मेरी अम्मी होंगी वो मैं वेंदी कि मेरे प्यो पुत्र किनिया इज्जत मिली ने अबू जी होंगे तो वेंदे अल्लाह ने मेरे पुत्र किन्नी इज्जत दी और कई नसीब ही नहीं होंगी ये भी किस्मत की गल है ना लेकिन अल्लाह का फैसला अटल है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून अटल है। तो मेरे भाइयों बस इतना ही मैसेज है नंबर एक हालत ठीक रखो नंबर दो खात्मा बिल खैर दी हम वक्त दुआ रखो नंबर तीन सियाबी तरह हर वक्त मौत का फिक्र रखो इंशाल्लाह दुनिया भी चंगी हो जाएगी आखरत भी। अकुल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वसाइरिल मुस्लिमीन। लो जी दुआ फरमाओ जिन्हें भी अपने बुजुर्ग फौत हो गए सारे की दुआ कर दो और मेरे मोहतरम भाई मास्टर इजाज साहब उन्होंने वालदा मोहतरम अल्लाह उन्होंने हसनात बुलंद फरमाए दरजात बुलंद फरमाए अल्लाह उन्होंने कबर नूर नल मुनवर फरमाए अल्लाह इलीन च मुकाम दे दे जिहड़े मेरे भाई तशरीफ फरमा अल्लाह सब दियाँ परेशानियाँ दुख आसान फरमा दे जिन्हों को बेटे नहीं अल्लाह बेटे दे दे गुनाहगारा संसारियाँ दुआ करो रब साढ़े ते भी रहम कर दे और सानू फिक्रे मौत रब नसीब रखे आमाल अच्छे रखे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
या रब्बी नकल हम्द कमा यंबगी जलाली वज्हिक वाज़ीम सुल्तानिक اللهم نسألك الهدى والتقى واللفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربا سونے سب بیماراں شفاواں عطا فرما اللہ جننے بھی چھوٹے وڈے بیمار ماواں بہناں بیمار صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما مولا سونیاں جدوں تسیں صحت دین تے آندے ہو جویں نبی ایوب نوں چٹ پٹ دتیاں نے سانوں ہی ادا فرما میرے ربا جڑے میرے ویر اولاد دے میوے نوں پہ ترس دینے اللہ انہاں دے ترسیویں دور فرما مولا درینہ خیشاں پوریاں فرما پوری کائنات بیوی بچے مال جان نالو ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما آپ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما اللہ ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ اتحاد تے پیار دیاں فضاواں پیدا فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی پل جاندے ہی اللہ بڑے گناہگار اللہ सच्ची पूछे ना साडे पल्ले ते कख भी नहीं है तेरी रहमत दा समंदर ठाठा मारदा है मौला राजी हो जा रब्बा सोणिया तू राजी हो जा अल्लाह जड़े साडे दोस्त फौत हो गए ने माई बाप तेरे मेहमान बन गए ने प्यारियां हस्तियां तेरे कोल आ गईयां ने जिन्हां तो बगैर जींदे नहीं सा जिन्हां तो बगैर रहिंदे नहीं सा अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं नल मुनवर फरमा अल्लाह जिवें उन्हां तेरी दुनिया छड्डी ऐ इक दिन साडी वारी भी ते आउणी आउणी ऐ मौला सोणिया मास्टर इजाज़ साहब दी वालदा मोहतरमा दे हसनात दरजात बुलंद फरमा अल्लाह जदों तेरे गुनाहगार साडे जयावन अजमैश न करी बड़े कमजोर तेरे बंदे बड़े माड़े तेरे बंदे अल्लाह सुनिया सी ते अजमैशां जोगे ही कोई नहीं असी दे एडे कमजोर आ दुनिया दी धुप नहीं सहिंदे अग दा सेका नहीं सहिंदे रब्बा नसरीफाना अज़ाब जहन्नम अल्लाह साडे जे कमजोरां नूं ते जहन्नम दा
سکہ بھی نہ لگن دے می اللہم اجرنا من النار مولا تسیاں باندے ہو میرا بندہ ایک ہنجوی سٹے زندگی دے پاپ تے گناہ معاف کر دین دے ہو سنو تے لرون دے والنیوں دے سکھاں مولا مولا سچی پوچھیں سی تے رون ورگی شکل بنان جو گے بھی کوئی نہیں بن رویاں را دیو جا آخر تیرے محبوب دے چان والے نے سرکار دے غلام نے اللہ اپنے محبوب دے غلاماں دے چکے ات خالی مونی نا کچھ منگ دے نے دے دے مولا تیرے سامنے رونے راضی ہو جا مولا تینوں منانے من جا میرے مولا تیرے کول معافی لینا ہے معاف کر دے مولا اللہ سونیا تیرے گناہگار تیرے نال صلح چاہندے نے صلح فرما مولا اللہ ساڈے جن کمیاں تے گناہگاراں دا وی چنگیاں چ نام لکھ لے مولا ساڈی وی اخیر تے خاتمہ چنگا فرما مولا جدوں دنیا تے آخری ساواں ہون موت والیاں کڑیاں آ جاون بیوی تے بچیاں کولوں جدائی والا ویلا آوے رشتے داریاں برادریاں دنیا دیاں موجاں رنگینا سب ایتھے رہن لگن رو پرواز ہون لگے مولا آخری ساواں دے اندر زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ ساڈی اخیر تے خاتمہ سونا کر دینا اللہ جویں تیرے ایس کر کٹھیاں جنت جویں کٹھیاں فرما لینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین।